हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्चेस वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल आर्चेस वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल सब्जी। जी हां, आज हम बनाने वाले हैं मशरूम, मटर, आलू, गाजर की मिक्स वेजिटेबल सब्जी। खाने में बेहद स्वादिष्ट है और आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तरीका सिंपल है लेकिन जायकेदार है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक भगोना यानी कि एक बर्तन लेना है, उसके अंदर हमने पानी डालना है और इसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हमने लिया है मशरूम, देख सकते हैं मशरूम को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद उसको बीच में से हाफ हाफ कट कर लिया है, कुछ इस तरीके का लुक है कट होने के बाद। और इसके बाद हमने जो पानी उबालने के लिए रखा हुआ है, उस पानी को जैसे ही गर्म हो जाए, उसके अंदर से थोड़ी सी भाप निकलनी स्टार्ट हो जाए, तो उसके अंदर हम इस मशरूम को ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट तक हमें उबालना है, जब तक कि मशरूम के अंदर जो भी डस्ट है वो ना निकल जाए और अच्छे से मशरूम क्लीन ना हो जाए। तो मशरूम को बनाने से पहले एक बार इस तरीके से नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद एक हल्का से गर्म पानी के अंदर भी आप 5 मिनट अगर इसको उबाल लेते हैं तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से मशरूम जो है वो क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मशरूम को इसके अंदर डाल दिया है और 5 मिनट के बाद जब मशरूम के अंदर से आपको झाग नज़र आने लगे इस पानी के अंदर और मशरूम का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है कि मशरूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो उसको हम निकाल लेंगे और इस साफ़ पानी से एक बार और वॉश करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है इसकी सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको डाल दिया है और 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद जो है हमारा ये मशरूम जो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो जब तक ये क्लीन होता है ना, तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं जिन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है, देख सकते हैं इसके अंदर झाग आना शुरू हो चुका है और ये मशरूम जो है अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो बस गैस की नॉब को ऑफ़ कर देना है, सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है और मशरूम अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर तड़का देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं उसको बारीक कट कर लिया है, 3 प्याज लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी हमें थिक सी बनानी है तो उसके लिए प्याज की क्वांटिटी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और टमाटर अगर आप रेड कलर का यूज़ करेंगे तो उससे कलर सब्जी का बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं, उसको मैंने नॉर्मल जो हम आलू कट करते हैं सब्जी के लिए उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू को कट कर लिया और यहाँ पर है 100 ग्राम मटर जिसका हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो ये मिक्स वेजिटेबल सब्जी आपको खाने में बेहद स्वादिष्ट लगेगी। आप इसको लंच में, डिनर में बना सकते हैं, आप इसको राइस चपाती के साथ बना सकते हैं, घर में कुछ हल्का फुल्का सा फंक्शन है तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और मशरूम की सब्जी वैसे भी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो ये देख सकते हैं उबलने के बाद मशरूम का कुछ इस तरीके का लुक है और जो लोग मशरूम को खाना पसंद करते हैं उनको मतलब इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा नॉनवेज के स्टाइल का लगता है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें बना के इस रेसिपी को। तो यहाँ पर कढ़ाई को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए और कढ़ाई के अंदर मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल का यूज़ किया है सब्जी को बनाने के लिए। तो एक ही बार में हमने तेल डाल दिया, इसी के अंदर हम तड़का भी लगाएंगे और आलू को और मशरूम को फ्राई भी करेंगे। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने आलू को डाल दिया है, गैस की फ्लेम हमने हाई रखी हुई है और इसको हम 3 से 4 मिनट तक आलू को भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो आलू जब तक हमारे फ्राई होते हैं ना, आपको कर लेना एक छोटा सा काम कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें। आपको इस चैनल पर इसी तरीके की प्यारी और सिंपल सी इंडियन रेसिपी जिनको आप बहुत ही ईजिली अपने घर पर बना सकते हैं मिलती रहेंगी। बहुत सिंपल तरीके से इस रेसिपी को इस वीडियो के अंदर समझाया जाता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ पर देख सकते हैं आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं तो मैंने इसी के अंदर मशरूम को भी ऐड कर दिया है। 3 से 4 मिनट मशरूम को भी इसके अंदर हमें फ्राई करना है। इस तरीके से आप बना के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये सब्ज़ी लगेगी खाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप जब इसको एक बार अपने घर पर ट्राई करेंगे तभी आप अपना स्वाद जो है वो बता पाएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
यहाँ पर आलू और मशरूम जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, तो हमने उसको एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और उसी ऑयल के अंदर हमने दो साबुत लाल मिर्च, एक तेज पत्ता और एक छोटा चम्मच जीरा डाला है। सबसे पहले इसको अच्छे से भुनने देंगे, इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, जीरे में थोड़ी सी तड़तड़ भी स्टार्ट हो जाए। तो उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज। तो ये देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है, तो बस अब हम इसके अंदर प्याज को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, तो इसको हमें गोल्डन ब्राउन कलर का अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज के साथ इस सब्ज़ी का स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्याज इसमें के अंदर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन जो है वो प्याज लिए हैं जिसको मैंने बारीक कट करके इसके अंदर डाला है, और दो हरी मिर्चें हैं जिसको इसके साथ ही मैंने कट कर लिया है। तो इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हमें टमाटर और मसाले जो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो सब ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाउल के अंदर कुछ इस तरीके का लुक है फ्राई होने के बाद मशरूम का और आलू का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी, तो आपको बहुत पसंद आएगी खाने में। तो एक बार देखिए और एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देख सकते हैं प्याज जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो मैंने इसके अंदर टमाटर को डाल दिया है, और टमाटर को भी मैं 2 से 2.5 मिनट तक इसके अंदर ही भूनूंगी। टमाटर का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। तो देख सकते हैं मसाले कौन कौन से डालने वाले हैं हम। सबसे पहले हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 चम्मच। मसाले ऐड करने के बाद हमें इसको चला लेना है, जब इसके अंदर से थोड़ा सा ऑयल रिलीज होने लगे तो उसके बाद हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके बाद मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी, और इसके बाद फिर हम डालेंगे हरी मटर। हरी मटर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, वैसे भी मशरूम मटर की सब्ज़ी जो है ना बहुत ही जायके की बनती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको हमें अच्छे से चला लेना है, और चलाने के बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद जो है हमें बाकी की हमने जो सब्जियां तैयार की हैं वो डाल देनी है। मटर इसके अंदर डाल के मटर को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर ही भूनेंगे। पहले मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि सारी सब्जी का जो स्वाद है ना वो मसाले के अंदर है। अगर मसाला आपका अच्छे से तैयार हो जाए, मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा तो सब्जी बहुत जायकेदार बनेगी। तो यहाँ पर मटर को हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट, और उसके बाद जो हमने आलू और मशरूम को फ्राई करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मशरूम और आलू, और मसाले के साथ हमें इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है धीमी आंच पे। इसको 2 से 3 मिनट हम चलाएंगे, और इसके बाद हमें इसके अंदर 1 गिलास पानी को ऐड कर देना है। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे, क्योंकि हमारे मटर आलू और मशरूम जो है वो अच्छी तरीके से पके हुए हैं, तो हमें बस इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। मसाला भी अच्छी तरीके से तैयार है, तो गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे, और ये देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक है। तो अब मैं इस स्टेज के ऊपर पानी ऐड करने वाली हूँ, और जैसे ही पानी ऐड हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हमें हाई कर देना है, और हाई करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। हमारी सब्जी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है, मटर मशरूम की ग्रेवी वाली सब्जी। तो देख सकते हैं इसका लुक, टेक्स्चर बेहद स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी खाने में, और जब हमारी सब्जी बन जाए तो उसे हमें हरे हरे धनिए से गार्निशिंग दे देनी है। और इसको आज हम बनाने वाले हैं डिनर में खाने के लिए, तो वेट किस बात का है, जल्दी से तैयार रहिए क्योंकि आज का डिनर मेरे साथ है। तो मटर मशरूम की स्वादिष्ट सब्जी का लेंगे साथ में मज़ा। तो सब्जी को बनने देते हैं, और जैसे सब्जी बन जाती है मैं आपकी प्लेट को कर देती हूँ तैयार। तो बस 3 से 4 मिनट का और वेट है, और उसके बाद जैसे हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी तो हमारी प्लेट भी रेडी हो जाएगी। इतनी देर में कर लें आप एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स में से ज़रूर शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो भी शेयर करें, और ना पसंद आए तो आपको क्या कमी लगी वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो ये देख सकते हैं सब्जी हमारी बनके तैयार है, तो फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं 3 से 4 मिनट के बाद आपको इसका। तो इसे धनिया पत्ती के साथ हम गार्निशिंग दे देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ी सी सब्जी हमारी ठंडी हो जाए तो उसके बाद आ जाएगा इस सब्जी का फाइनल लुक।
और हमारी प्लेट भी बिल्कुल रेडी है। तो आज का डिनर आपका मेरे साथ देख सकते हैं आप, सब्जी का फाइनल लुक कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा है। ज़रूर से एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखें, आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी खाने में और लुक वाइज भी। और वैसे भी मशरूम जो है वो हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो अगर हमें स्वाद के साथ साथ हेल्थ नहीं मिल रही है तो हमें ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना चाहिए। तो जल्दी से आ जाइए और टेस्ट करके बताएं। और जब तक आप टेस्ट करते हैं, मैं करती हूँ एक नई रेसिपी की तैयारी। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू और प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।